हेलो फ्रेंड, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिया ब्यूटी पार्लर एंड क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे। तो चलिए आज की टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज की टॉपिक के बारे में बात करने से पहले पहले हम ये बातें करेंगे, क्या आप अपने इंटरनल फेस को क्लीन रखने के चक्कर में एक्सटर्नल को भूल तो नहीं जा रहे हैं? तो आज मैं इस चीज के बारे में बातें करूंगी कि अगर आपको आपके फेस पे ग्लो चाहिए या आपके फेस पे कोई भी चीज की, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि हमें किस चीज से हमारी स्किन, हमारी बॉडी क्या सफर कर रही है। जैसे आप गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं या गर्मी रहे या ना रहे, आप अपनी बॉडी को जितनी नीड होती है उतने लेवल में पानी दे रहे हैं क्या, या फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है क्या, या फिर आपको गैस हो रहा है, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, रेगुलर पीरियड्स नहीं है। ये बात मैं लेडीज लोग के लिए बोल रही हूँ, रेगुलर पीरियड्स नहीं है आपके, ये सारी चीज़ें हमारी प्रॉब्लम होती हैं। तो हमें ना पहले इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारी ये चीज़ें अच्छी हैं क्या। अगर आप पानी नहीं पीते हैं ज़्यादा और आपके फेस में पिंपल्स आ रहे हैं, ओपन पोर्सेस हो रहे हैं, तो एक ये रीज़न हो सकता है इस चीज़ का। दूसरी चीज़, आपका पेट नहीं साफ हो रहा है, आपको एसिडिटी हो रही है, गैस हो रहा है, तो वो भी एक रीज़न है पानी कम पीने की वजह से। तो आपको सबसे पहले अपने डाइट में बहुत ज़्यादा पानी लेना है। जब आप पानी बहुत ज़्यादा लेंगे ना तो आपकी बॉडी में अपने आप इंटरनल ग्लो दिख के आएगा। तो अगर आप नहीं पी रहे हैं अभी तक पानी तो प्लीज़ पीना स्टार्ट कर दीजिए। फिर गैस एसिडिटी हो रही है तो पानी अगर ज़्यादा पियेंगे तो गैस एसिडिटी की भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। कम से कम आधा घंटा वॉक कीजिए, बॉडी को थोड़ा सा डाइट दीजिए। बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, फालतू चीज़ें ना खा के अच्छी चीज़ें खाइए। और उसके बाद आपको हेयर फॉल हो रहा है क्या, हेड में डैंड्रफ है क्या, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर डैंड्रफ है तो डैंड्रफ ट्रीटमेंट लीजिए, या जो भी तरीके की आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। रेगुलर पीरियड्स नहीं है तो उसके बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करें, या जो भी है आप उसको क्लियर करने की कोशिश करें। तो चलिए आज के बारे में हम बातें करते हैं। आज की टॉपिक है हमारी, अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, फेस हमारा बहुत ज़्यादा टैन हो रहा है, ग्लो नहीं रह गया है फेस में, आप बार बार पार्लर जाके आ रहे हैं फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आज यहाँ पे मैं आपको एक होम रेमेडी बताऊंगी, बहुत अच्छी होम रेमेडी है, सारी चीज़ें घर में अवेलेबल है, कुछ बाहर से नहीं लाना है। फ्रूट्स लाते हैं, ऑरेंज लेके आइए, उसके पील को निकाल लीजिए, मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी आगे, उसके छिलकों को निकाल लीजिए, उसको धूप में अच्छे से सुखा लीजिए, ड्राई कर लीजिए और उसको ब्लेंडर में या मिक्सी में बहुत अच्छी तरीके से एकदम फाइन पाउडर बना लीजिए। फाइन पाउडर बनाने के बाद आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी है जैसे कि मैं आगे की वीडियो में दिखा रही हूँ। और ये सारी चीज़ें देखने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे और आप देखते रहे मेरे चैनल को। ऐसे ही अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको लेना है ऑरेंजेस 3-4 जो आप खा चुके होंगे। फ्रेश ऑरेंज का ये पील है, इसको अच्छे से ड्राई कर ले धूप में रख के, और उसके बाद इसको ना मिक्सी में या ग्राइंडर में बहुत अच्छी तरीके से, या तो आप फाइन पेस्ट, एकदम फाइन पेस्ट बना लीजिए, या फिर हल्का सा दरबरा, मतलब हल्का सा जैसे ये मैंने पीसा हुआ है दिख रहा है आपको, ऐसा आपको पाउडर बना लेना है। और इसको ना बाकी बचे हुए को स्टोर करके रखना है, आपको स्टोर कर देना है ताकि आप हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सके। और उसके बाद आपको इसको अप्लाई करना है। इसमें क्या क्या मिक्स करना है, ऑयली स्किन है तो उसके लिए भी एक चीज़ आपको स्किप करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें आपको ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है इसको पाउडर को, थोड़ा सा टर्मरिक डाल ले उसमें, उसमें थोड़ा सा मलाई डालें, ये ड्राई स्किन वाले और नॉर्मल स्किन वाले, कॉम्बिनेशन स्किन वाले करें। और अगर ऑयली स्किन है तो प्लीज़ मलाई को स्किप कर दे, फ्रेश मिल्क है, फ्रेश मिल्क की जो मलाई जम जाती है वो थी। थोड़ा सा लेमन डालें, जो बोलते हैं कि लेमन फेस में अप्लाई नहीं करना चाहिए उनके लिए स्पेशली मैं बोलूँगी कि लेमन आपको डायरेक्ट आपके फेस पर अप्लाई नहीं करना है, आप किसी चीज़ में मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर
अगर आपका पेस्ट गीला नहीं हुआ है तो उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डालें, रोज़ वाटर नहीं है तो ऑप्शनल है, आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, साफ पानी, और उसके बाद इसको स्क्रब के जैसे अपने फेस में 5 मिनट तक बहुत अच्छी तरीके से मसाज करना है। देखो ये किस तरीके से बनता है फाइन पाउडर, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका गाइस। लेकिन आपको इसको लेने के साथ साथ जो मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया है वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, तभी आपके फेस पे वो ग्लो दिखेगा। और दूसरी चीज़, अगर आप धूप में जाते हैं, जॉब वाले हैं या कहीं धूप वाला काम है, स्कूल गर्ल हैं, कॉलेज गर्ल हैं, तो आपको सबसे पहले ना आपके फेस पे ना कोई अच्छा ब्रांड का आपको सनस्क्रीन लगाना है, वो बहुत कंपल्शन है, क्योंकि उसको बिना लगाए आपके फेस पे कुछ भी आप कर लो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपकी स्किन बाहर से अच्छी ग्लो करने लगेगी लेकिन आप फिर मॉर्निंग में अगर जाएंगे बाहर तो फिर से वही चीज़ आपके फेस पे और ज़्यादा आपके फेस को अफेक्ट करेगी। तो यहाँ पर इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि मसाज करें और उसके बाद ना आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, तब कि आपकी स्किन ना इंटरनल क्लीन होती रहे। दूसरी चीज़, ये रेमेडी मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप रात के टाइम पे करें या फिर इवनिंग के टाइम पे करें, जब आपको धूप नहीं हो, छांव हो जाए तब आपको करनी है। क्योंकि क्या होता है, जब हम मॉर्निंग में करते हैं और इसको करके हम बाहर जाते हैं ना, कोई भी रेमेडी ट्राई करके या कोई भी क्रीम अप्लाई करके, तो उसका इफेक्ट नहीं रह जाता है। तो इसलिए ना रात को करें ताकि रात को आप सो जाएं और आपको उसका रिजल्ट दिखे। दूसरी चीज़, आपको 10 मिनट रखने के बाद आप चाहे तो डायरेक्ट वॉश कर लें, या फिर मैंने आपको दिखाने के लिए एक टॉवल को गीला करके यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, मेरी स्किन में ना कोई दाग धब्बे नहीं है, क्लियर स्किन है, नेचुरल स्किन है, मैं कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं करती हूँ मेरी स्किन में, जब मैं वीडियो बनाती हूँ, इवन मैं इंट्रोडक्शन भी जब देती हूँ तभी भी मैं कोई मेकअप अप्लाई नहीं किए रहती हूँ, बस हल्की सी लिपस्टिक रहती है मेरे फेस पे। तो यहाँ पर आपको मेरा क्लीन फेस दिख रहा होगा, बट ये रेमेडी मैं रात को ही ट्राई करती हूँ, या कोई भी रेमेडी आप ट्राई करो तो रात को ही ट्राई करो, मैं सजेस्ट करूँगी आपको। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे और भी वीडियोस है पार्लर से रिलेटेड, हेयर कटिंग से रिलेटेड और हेयर स्पा से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए। प्लीज़ आपको कैसे रिजल्ट आते हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मेरा फेस मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ कितना अच्छा रिजल्ट आया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूले, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।